नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सान्या। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ फटाफट खबरों पर। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी, 3 से 4 नक्सलियों के ढेर होने की खबर। आरा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद बेउर मॉडल सेंट्रल जेल से रिहा। तेजस्वी यादव ईडी ने जारी किया समन, 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। नेपाल में जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी महेश कुमावत की पुलिस हिरासत, 5 जनवरी तक बढ़ी। भारत में बीते 24 घंटे में सामने आए 752 नए कोविड केस, 4 मरीजों की हुई मौत। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक शुरू, 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा। जम्मू और कश्मीर में अखनूर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम, सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक दहशतगर्द ढेर। शुरू में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से हुई भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी देश से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24 न्यूज।